नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो 28 फरवरी से साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच एक बेहतरीन सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज का क्या शेड्यूल रहेगा, इस सीरीज में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज पर खेले जाएंगे। इसके अलावा इस सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज दोनों टीमों का क्या स्क्वाड रहेगा, और आप इस सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो इस एक वीडियो में आपको इस सीरीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस समय वेस्ट इंडीज की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर है और इस दौरे पर इन दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की एक सीरीज खेली जाएगी, जहां पर इस दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज के साथ होगी। तो अगर हम सबसे पहले टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की बात कर लें तो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 28 फरवरी से 4 मार्च के बीच सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 1:30 बजे से, यानी कि 1:30 PM से, जबकि सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा 8 मार्च से 12 मार्च के बीच द वॉन्डरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 1:30 बजे से, यानी कि 1:30 PM से। टेस्ट सीरीज के बाद दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की एक वनडे सीरीज भी खेली जाएगी, जिसका पहला वनडे मैच होगा 16 मार्च को बफेलो पार्क ईस्ट लंदन में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 4:30 बजे से, यानी कि 4:30 PM से, जबकि दूसरा वनडे मैच 18 मार्च को खेला जाएगा बफेलो पार्क ईस्ट लंदन में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 4:30 बजे से, यानी कि 4:30 PM से, और वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा 21 मार्च को सेनवर्स पार्क पोचेस्ट्रोम में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 1:30 बजे से, यानी कि 1:30 PM से। वनडे सीरीज के बाद दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की एक शानदार टी20 सीरीज भी खेली जाएगी, जिसका पहला टी20 मैच होगा 25 मार्च को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 5:30 बजे से, यानी कि 5:30 PM से, जबकि सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा 26 मार्च को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ही इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 5:30 बजे से। इसके अलावा टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा 28 मार्च को द वॉन्डरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 9:30 बजे से, यानी कि 9:30 PM से। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले वेस्ट इंडीज के स्क्वाड की बात कर लें तो वेस्ट इंडीज के टेस्ट स्क्वाड में दो युवा खिलाड़ियों को पहली बार शामिल किया गया है, जिनके नाम है एलिक अथनासे, इसके अलावा अकीम जॉर्डन। तो जो वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्क्वाड है वो इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में आपको नजर आएंगे क्रेग ब्रैथवेट, वाइस कैप्टन होंगे जर्मिन ब्लैकवुड, इसके अलावा एलिक अथनासे, तेग नारायण चंद्रपॉल, रॉस्टन चेस, जोशुआ डिसिल्वा, शैनन गैब्रियल, जेसन होल्डर, अकीम जॉर्डन, अल्जारी जोसफ, काइल मेयर्स, गुडकेश मोटी, रेमन रीफर, केमार रोच और डिवॉन थॉमस। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के ओडीआई स्क्वाड की। तो वेस्ट इंडीज का ओडीआई स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में नजर आएंगे शाई होप, वाइस कैप्टन होंगे रोमन पावल, इसके अलावा शिमार ब्रुक्स, यानिक कराय, कीसी कार्टी, रॉस्टन चेस, शैनन गैब्रियल, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसफ, ब्रेंडन किंग, काइल मेयर्स, निकोलस पुरन, रोमारियो शेफर्ड और ओडियन स्मिथ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड के बारे में। तो वेस्ट इंडीज का टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में नजर आएंगे रोमन पावल, वाइस कैप्टन होंगे काइल मेयर्स, इसके अलावा शिमार ब्रुक्स, यानिक कराय, जॉनसन चार्ल्स, शेल्डन कॉटरेल, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसफ, ब्रेंडन किंग, ओबिद मकॉय, निकोलस पुरन, रेमन रीफर, रोमारियो शेफर्ड और ओडियन स्मिथ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के स्क्वाड के बारे में। तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इस टेस्ट सीरीज के लिए 15 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है और इस टेस्ट स्क्वाड में हमें काफी ज्यादा चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ा बदलाव यह है कि डीन एल्गर की जगह पर साउथ अफ्रीका का नया टेस्ट कैप्टन टेम्बा बावुमा को बनाया गया है। इसके अलावा युवा खिलाड़ी टोनी डी जॉर्जी को भी पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि सेंद्रन मुत्तुस्वामी, इसके अलावा रियान रिकल्टन और एडन माक्रम की काफी लंबे समय के बाद टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। तो जो साउथ अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड है वो इस प्रकार का नजर आ रहा है।
कैप्टन के रूप में आपको नजर आएंगे टेम्बा बवुमा, इसके अलावा होंगे जेराल्ड कोएट्से, टोनी डी जॉर्जी, डीन एल्गर, साइमन हार्मर, मार्को येंसन, विकेटकीपर हेनरी क्लासन, केशव महाराज, एडन माक्रम, वियान मुल्डर, सेंदुरन मुत्तुस्वामी, एनरिक नोकिए, कीगन पीटरसन, कैगिसो रबाडा और रियान रिकल्टन। वहीं अगर हम बात कर लें साउथ अफ्रीका के ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड के बारे में, तो अभी तक क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका का ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है। बहुत ही जल्द स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, तो जैसे ही स्क्वाड अनाउंस होगा आपको सबसे पहले अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप फटाफट से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट की बात कर लें तो इंडिया में इस सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है, जहां पर दोस्तों आप टीवी में इंग्लिश कमेंट्री में इस सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट चैनल की मदद से देख पाओगे। वहीं अगर हम बात कर ले लाइव स्ट्रीमिंग की, तो आप अपने मोबाइल फोन में डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप्लीकेशन और फैन कोड एप्लीकेशन की मदद से भी इस सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर सकते हो। फैन कोड में आपको इस सीरीज का टूर पास परचेस करना होगा जो कि 99 रुपीज का होगा, तभी दोस्तों आप वेस्ट इंडीज के साउथ अफ्रीका दौरे पर होने वाले सभी टेस्ट, वनडे और टी20 मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये रही साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।